A for apple. B for boy. Boy. Apple. B for boy. नमस्कार, मैं गीता प्रजापत गांव नंगली मेगा की रहने वाली हूँ और शादी से पहले की स्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी शादी 2008 में हुई थी। 2008 के बाद मैं 12वीं पास करके अपने ससुराल में आई थी, तो मेरे ससुराल वालों की घर परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। राजीविका टीम हमारे गाँव में आई तो समूह से जुड़ी, तो समूह के फायदे देखे, तो उसमें हम 12 महिलाएँ समूह से जुड़ी। वहाँ पे बस 12वीं पास मोहल्ले में मैं ही थी, तो मुझे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिखने का काम दिया गया, जिसमें मैंने 7 किताब की ट्रेनिंग ली 7 दिन, तो उसमें 6 महीने मैंने काम किया। इसके बाद 6 महीने बाद मुझे उसमें 250 रुपये मिलने लगे, तो ये छोटी छोटी बचत से 10 रुपये से हमने स्टार्ट की थी। फिर इसको हमने समूह में 20 रुपये बढ़ाया। फिर समूह के मैं धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगे। पहली बार मैं बैंक गई थी अपना अकाउंट खुलवाने, तो बैंक में भी इतनी झिझक थी कि हम बैंक स्टाफ से बात नहीं कर पाते थे, डर लगता था कि कुछ कोई बोल ना दे। तो समूह से जुड़ने के बाद अपना खाता खुलवाया, वहाँ बाहर जाने लगे तो हमारी थोड़ी झिझक खुलने लगी। फिर इसके बाद मैं अपने गांव में ग्राम संगठन बना था, उसमें VOA के पद पे काम के लिए मैंने अप्लाई किया। इसी दौरान मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, BA की फॉर्म भरा समूह के जुड़ने के बाद। फिर मैंने उसमें 6 महीने काम किया, जो उसमें 14 किताब लिखने का काम होता था और 500 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी। तो इससे धीरे धीरे मेरे जीवन में इतना बदलाव आया, मैं आगे बढ़ती गई। फिर मुझे एक कैडर बनी MCLP, जो बाहर जाके ब्लॉक पे काम करना पड़ता था। फिर समूह से आगे बढ़ते रहे और जानकारियाँ मिलती रही, तो परिवार में भी कुछ सपोर्ट मिला। इसके बाद हमारे CLF में क्लस्टर मैनेजर पद की जगह निकली थी, तो उसमें मैंने फॉर्म लगाया, तो उसमें उस टाइम मैंने समूह में जुड़ के BA कर लिया था। तो उसमें ये था कि BA पास स्नातक को ही अप्लाई कर सकता है, तो मैंने किया, उसमें पेपर एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। 2018 में मैं क्लस्टर मैनेजर पद पे काम कर रही हूँ उमंग CLF में, जिसमें मेरे 12 ग्राम पंचायत हैं, 30 गाँव हैं, 29 ग्राम संगठन हैं और 300 स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, जिनमें 3,750 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, परिवार जुड़े हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। और इन परिवारों के साथ हमने बैंकों में भी जाती हूँ। मेरे 6 ब्रांच लगती हैं, जिसमें हमने सारे SHG के खाते खुलवाए हुए हैं। बैंकों से हमने 17,50,00,000 का अब तक लोन महिलाओं को दिलाया है, जिससे हमारी बहनें छोटी छोटी आजीविका का काम करती हैं। चूड़ी बनाना है, राखी बनाना है, ब्यूटी पार्लर्स हैं, जनरल स्टोर की दुकानें हैं, कॉस्मेटिक स्टोर की दुकानें हैं और बकरी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि अनेक प्रकार के आजीविका के काम हैं। इसके साथ ही मैंने अपनी पढ़ाई और आगे शुरू की। मैनेजर बनने के बाद मैंने MA किया, इससे मेरे परिवार को और आर्थिक स्थिति में मैंने सपोर्ट किया। तो मैं जब ससुराल से आई थी तो हमारे कच्चे मकान थे यहाँ पे मिट्टी के, अब मैंने सब
कुछ मैंने सपोर्ट किया, कुछ मेरे पति ने और परिवार ने मिलके हमने अभी अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि पक्का मकान है और मैंने एमए तक पढ़ाई पूरी कर ली है। इसके साथ मैंने अपनी बहनों के 3,750 बहनों के नेतृत्व में काम करती हूँ। जो भी कुछ भी समस्या होती है, जो भी कहीं भी जाना होता है, चाहे जयपुर जाए चाहे कहीं जाए, उसमें आगे बढ़ के भाग लेते हैं। इससे मेरी ज़िंदगी में जितना बदलाव आया है, मुझे पढ़ाई का जो जितना मौका मिला है, शायद नहीं मिलता अगर समूह से नहीं जुड़ती तो जो मैं आज हूँ तो राजीविका की वजह से हूँ। और मैं अपनी बहनों को यही चाहती हूँ, जो मेरी तरह और बहनें पिछड़ी हैं वो भी आगे आएँ। समूह में जुड़े थे तो 10 रुपये से जो बचत हमारी बहनों ने स्टार्ट की थी, तो मेरे CLF की बहनों की टोटल हम बचत देखे तो हमने एक सर्वे के द्वारा पाया है जिसमें हमारी बहनों की 11,50,00,000 रुपए अब तक हमारी बहनों की बचत हो गई है। उसमें उन बहनों ने जो इंटरेस्ट देती हैं, कम ऋण में जो पैसा लेती है इंटरेस्ट में, तो वो जो इंटरेस्ट भी उनका बचता है समूह में, उसको टोटल लगा के 11,50,00,000 का हमारी बहनों का अब तक का ये उनकी खुद की सेविंग है। इस सेविंग के अलावा है, उसके अलावा उन्होंने जो पैसा लिया है उस पैसे से अपनी आजीविका बढ़ाने में जो काम किए वो अलग है। इसके अलावा जो इन्होंने 10 रुपये से शुरुआत की उसको देखें तो हम एक बहुत बड़ी राशि मान सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना समूह से लोन लिए थे 40,000 रुपये का, तो उसमें से मैंने अपने शुरुआत में हमें 6 बहनों के साथ मसाले का काम शुरू किया है, जो मैंने अभी पिछले साल दिसंबर से स्टार्ट किया था। तो अब तक हमने इस मसाले के काम में 16 कुंटल मसाला बेच चुके हैं, जिसमें हमारी 6 बहनों की कमाई देखें तो हम 8-10 हज़ार रुपये हमारी मंथली कमाई हो जाती है। और इस मसाले को हमारी बहनें हमारे CLF की जितनी जनरल स्टोर की परचूनी की दुकानें उन पे सप्लाई करती है, और जो हमारी मंथली वीकली मीटिंग होती है महिलाओं की, वहाँ पे हम अपने मसाले का प्रचार प्रसार करके सप्लाई करते हैं। और हमारी खुद अपनी बहनें ही जो इस मसाले से जुड़ी हैं ये खुद सप्लाई करती हैं, खुद बेचती हैं। और मैं CLF मैनेजर बनने के बाद कई अभी मेरा एक मुख्यमंत्री जी के साथ जयपुर से एक प्रोग्राम था जिसमें मेरा स्पीच लाइव स्पीच था, जिसमें मैंने अपने बारे में अपने जीवनी के बारे में बताया है कि कैसे मैंने संघर्ष करके आज मैं यहाँ तक आई। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो हमारे CLF की बहनों ने मिलके अनेक प्रकार की सामाजिक क्षेत्र में काम किए हैं। जैसे हमारी CLF में 8 बहनों को घरेलू हिंसा से बाहर निकाला है हमारे CLF की सामाजिक कमेटी के साथ मिलके। और इसके अलावा हमारे CLF के गाँव में से 7 गाँव में हमने शराबबंदी का काम किया है। और COVID-19 के समय में, कोरोना काल में, हमने एक मुहिम चलाई थी 2 मिट्टी अनाज गरीब बहनों के नाम। इस मुहिम के तहत हमने 17 कुंटल अनाज हमारी गरीब बहनों को बांटा है कोरोना काल में। और हमने 11,000 मास्क हमारी बहनों ने जो सिलाई का काम करती हैं 11,000 मास्क वितरण किए हैं, निःशुल्क मास्क वितरण किया था। और इसके अलावा हम सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर राशन है और नरेगा का कार्य है, इसके अलावा सड़क सुविधा है, पेयजल सुविधा है, इनमें हमने हमारी गांव की बहनों में को अनेक योजनाओं से जोड़ा है। जी सर। हेलो। नमस्ते सर। जी सर, सारे ग्राम संगठन में VO के अधिकारी आए थे। 29 ग्राम संगठन है जिनमें से सभी अधिकारी आए थे सर, सारे दो पदाधिकारी मेंबर आए थे। सर रिकवरी 100 ही है, ग्रेडिंग की थी ना 10 VO की CLF मीटिंग में, तो उसमें ग्रेडिंग में जो 10 पॉइंट पे ग्रेडिंग करते हैं उसमें जब VO की ग्रेडिंग की थी तो उसमें सभी का हरा मार्क आया था। ठीक है। और ये तुम्हारा मुर्गी पालन वाला सर्वे वो कंप्लीट हो गया क्या? जी सर, उस अभी एक दो विलेज का रह रहा है मुर्गी पालन वाला सर्वे, और तो कंप्लीट कर लिया सर, एक्सेल में चढ़ा लिया है पूरा डाटा। ठीक है। और इस वीक में कितने समूह का लोन करवाना है सर? इस वीक में मैं 25 SHG का लोन कराना है, जिसमें से सर 22 SHG की फाइल बैंक में जमा है, उनमें से सर 9 SHG का भी क्रेडिट लिंकेज हो गया है। ठीक है। तो बैंक से कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई समस्या ऐसी तो है नहीं, बट होती है तो मैं खुद जाके कर लेती हूँ। ठीक है सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी राजीविका को,
जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है और जो मेरा पढ़ाई का एक इतना बड़ा सपना था और मेरा मकान बनाने का इतना घर बनाने का इतना सपना था जिसको मैंने इनकी वजह से पूरा किया है, समूह के जुड़ने की वजह से जो मेरे जिंदगी में इतना बदलाव आया, इसलिए मैं राजीविका को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी।